आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और दो से तीन दिन में उसका आपको रिफ्यूज़ल मिल गया रिफ्यूज़ल की मेन वजूहत क्या हैं इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं माय नेम इज़ उमर आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड आई एम ऑथोराइज रेप्रजेंट क्लाइंट्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद रि इमिग्रेशन मैटर्स एज़ कनाडाज़ कंसर्न तो सबसे पहली वजह जो रिफ्यूज़ल की बनती है वो आपकी फ़ाइनेंशियल ग्राउंड्स पे बनती है अगर आप फाइनेशली साउंड नहीं हैं तो आपका विजिटर वीज़ा विदाउट एनी डाउट बहुत जल्दी रिफ्यूज़ हो जाएगा और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप फाइनेंशली बड़े स्टेबल होते हैं लेकिन आपने अपनी विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन में अपने आप को वो स्टैंडिंग नहीं दी जो आपकी एक्चुअल पिक्चर है फॉर एग्जांपल मैं आप, आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ लेट्स से आपके पास आपकी नेटवर्थ जो है करोड़ों में है ठीक है आपकी नेटवर्थ करोड़ों में है एफ बी आर के आप टैक्स फाइल कर रहे हैं और आपकी ज़बरदस्त एक मंथली वेज जो इनकम है वेदर एम्प्लॉयमेंट से है या बिज़नेस से है लेकिन जब आपने अपने विज़िटर वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट की है तो आपने अवेलेबल फ़ंड्स बैंक बैलेंस में सिर्फ दस लाख दिखाए हैं या बीस लाख दिखाए हैं क्योंकि जब आप अपनी रीज़न बताते हैं कि आप कैनेडा विज़िट करने जा रहे हैं एंड कैनेडा इज़ एन आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड यू देर टू एक्सप्लोर कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल नयागर फॉल्स जा रहे हैं आप ईस्ट कैनेडा से वेस्ट कैनेडा में जो एक ट्रेन चलती है जिसका छः सात दिन का सफ़र है आप वो बोर्ड करेंगे रास्ते में जितनी भी साइट सिंग की जगह आएंगी आप वहाँ पर वो सब चीज़ें आप देखेंगे होटलिंग का इसमें सारा ख़र्चा होगा तो इसको सामने रखते हुए दस लाख या बीस लाख या इवन अप टू फिफ्टी लाख रुपीज़ जो आप बैंक बैलेंस अपना दिखाते हैं तो आपने वीज़ा ऑफिसर के परस्पेक्टिव को अपने सामने रखना है ठीक है तो मैं अपने क्लाइंट्स को इनक्रेज करता हूँ कि कम से कम जो आपका बैंक बैलेंस है वो एक करोड़ रुपया हो ठीक है और वो आपका अपना अमाउंट हो जो प्रूफ करे कि आपकी बैंक के साथ हिस्ट्री है और ये जितनी भी ट्रांजेक्श ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इट लेड अप टू द एक्चुअल बैलेंस दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग विजिट वीजा में बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है पूरा डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट लेटर सबमिट करवाएं कि मैं फुल टाइम जो है एम्प्लॉय हूँ बेशा गवर्नमेंट है या प्राइवेट है इतनी मेरी इनकम है ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है ताकि बैकग्राउंड वेरीफ़िकेशन हो सके और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस की एक्चुअल पिक्चर दिखाएँ देखें जब आप अपने आप को बताते हैं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप एफ बी आर रेकड्स नहीं सबमिट करते <coughs> तो वो कहाँ से वेरीफाई करेंगे कि आपका लेजिट या आपका जेन बिजनेस है ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स में जो रिफ्यूज़ल आते हैं वो इन वजह से आते हैं और अगर लेट से आप ये अमाउंट नहीं शो कर सकते जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप कनाडा के विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें उसकी वजह ये है कि आपको एक अननेसेसरी रिफ्यूज़ल मिल जाएगा ठीक है और आप उनके सिस्टम में आ जाएंगे एक हिस्ट्री बन जाएगी आपकी प्रोफाइल बनेगी और आपकी प्रोफाइल में एक अननेसेसरी रिफ्यूज़ल होगा तो अगर आपके पास ये अमाउंट नहीं है या आपकी फाइनेंशियल ग्राउंड साउंड नहीं है बिज़नेस जो है आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट जो है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं सबमिट कर सकते तो आप कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए फ़िलहाल ना अप्लाई करें डी सेकेंड ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल वन यूर अप्लाइंग फॉर कैनाडाज़र्ट वीज़ा इज़ योर फैमिली टाइज जो रिफ्यूज़ल में एक्चुअल उनकी जो हेडलाइन आती है जिसमें वो कहते हैं इस वजह से हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है कि यू डो नाट सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कैनडा ठीक है अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी फैमिली को इन अ वन शॉट आपने पूरी फैमिली का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दिया ठीक है पाकिस्तान में आपकी फाइनेंशियल ग्राउंड इतनी सॉलिड नहीं है जो आ, आप शो नहीं कर सके ऑन top ऑफ दैट आपने पूरी फैमिली का विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर दिया और पूरी फैमिली के जब आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर फ़ौर ये समझेगा कि आप कैनेडा में आके जो है वापस नहीं जाएंगे जब आपका वीज़ा टेंडर ख़त्म होगा तो क्योंकि आपने पूरी फैमिली को अपने साथ मूव कर दिया पाकिस्तान में आपकी कोई फैमिली है नहीं है और जब मैं फैमिली की बात करता हूँ इसमें हस्बेंड वाइफ़ और जो बच्चे हैं वो आते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इन अ वन शॉट पूरी फैमिली के लिए आप अपना जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें हाँ अगर आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है ठीक है जब आप फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैंक बैलेंस की बात कहाँ चली आती है दो करोड़ तक चली आती है अगर आप ये दिखा सकती हैं कि आपका दो करोड़ बैंक बैलेंस है और आपकी एक प्रॉपर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है बड़े सालों से आप किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या आपका यहाँ पे इस्टेबलिश बिज़नेस है और बिजनेस जो आप प्रूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ और वह बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जो है आपका जनरेट कर रहा है तो फिर आप पूरी फैमिली का वन टाइम इन वन शॉट अप्लाई कर सकते हैं बेहतर ये है कि आप सबसे पहले सिंगल जो है एप्लीकेंट अप्लाई करें आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई करें मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ हैं बच्चे हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि फैमिली टाइज की वजह से आपको रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगा एंड लास्टली लास्टली मेन रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल योर पर्पज़ ऑफ विज़िट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन यू केविन इन योर एप्लीकेशन तो देखें जब भी आप कैनेडा का विज़िट वीज़ा विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप उसमें एक कवर लेटर सबमिट करते हैं ठीक है कवर लेटर में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को कंपेल कर रहे हैं कि इन रीज़न्स की वजह से मैं कनाडा के विज़िटर वीज़ा के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ लेकिन अगर आपने अपने साथ अपने आप को एक्सप्लेन नहीं नहीं किया ठीक है आपकी स्टोरी एडअप नहीं हुई तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको रिफ्यूज़ल दे देगा क्योंकि एवरी हैज़ टू अलाइन इन योर एप्लीकेशन ठीक है मिसाल के तौर पर आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप फला बंदे की वेडिंग के लिए जा रहे हैं किसी ने आपको इन्विटेशन दी है ठीक है या आप कोई कॉन्फ्रेंस कैनेडा में अटेंड करने जा रहे हैं अब वो जो कॉन्फ्रेंस है उसकी डेट्स जो हैं वो एक महीने की अभी जो है टाइम में है विद इन वन मंथ आफ्टर वन मंथ वो आ रही हैं तो कनाडा के विज़िटर वीज़ा का नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है तो वैसे ही वन एटीन डेज़ है, तो है। यहाँ वेडिंग इनविटेशन किसी ने दी है वेडिंग अभी आपकी होने वाली है ठीक है और आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो प्रोसेसिंग टाइम तो वन एटीन डेज़ है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं या इसी तरह अगर आप बताते हैं कि आप आप एज़ अ टूरिस्ट कैनेडा जा रहे हैं तो एज अ टूरिस्ट जाने के लिए भी फिर आपको अपने आप को बैकअप करना पड़ता है फाइनेशली बैकअप करना पड़ता है रेजिडेंशियल टाइज आपको शो करनी पड़ती हैं फैमिली टाइज तो ये फिर आप, आपकी एप्लीकेशन फिर इन लाइन नहीं होती और वीज़ा जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको जो रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल मिलता है वो क्या होता है कि पर्पस ऑफ़ योर विजिट इज़ नॉट इन दज़ नाट कंसिस इंफॉर्मेशन गिवन इन योर एप्लीकेशन देखिए जब आप विज़िट वीज़ा कैनेडा का लिए अपलाई करते हैं उसमें एक मेन चीज़ आपके रिफ्यूज़ल लेटर में कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने इन रिटर्न लिखा होता है कि इफ़ यू हैव न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू काउंटर दीज रीजन रीजन ऑफ रिफ्यूज़ल दैन यू कैन अप्लाई अगेन ठीक है अगर आपके पास नई इंफॉमेसन नहीं है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिफ्यूज़ल को काउंटर करने के लिए तो फिर आप कनाडा के, के विज़िटर वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई ना करें हाँ अगर आपके पास नई इंफॉमेसन है और आप जानते हैं कि आपसे आपसे आप कुछ गलती हुई है जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे थे आपने कवर लेटर में आपने आपको सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया आप फाइनेंशली साउंड हैं या और इसको बैकअप करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट नहीं कर सकते तो यस yes, फिर आप सेकेंड टाइम जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एज आई सेट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो माई नेम इज़ उमर खलील एम रेगुलरेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एन आई रिप्रजेंट माई क्लाइंस With regards to immigration matters from all over the world, as far as Canada is concerned, so if you are looking to visit Canada or study in Canada, or you're looking to immigrate to Canada, get in touch with me, get an appointment. We'll have a detailed session for about uh, one hour, 45 minutes to one hour, in which we'll have we'll take all of your information. Based on that, I'll give my opinion whether or, or not you should apply for your visit visa, whether or not you should go for um, a study permit. And whether or not you are eligible for Canadian immigration. So, I'm gonna leave the link uh, in the description below. If you have any comments and concerns, uh, you can simply uh, put them in the comments below. I'll try to get one of my team members to reply to your comments. And that's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.